तो दोस्तों जंगली रिजॉर्ट जाने के लिए ये सबसे पहले जब आप हरिद्वार में आते हैं तो ये आता है शंकराचार्य चौक। ये देख रहे हैं आप, ऊपर फ्लाईओवर है, नीचे से टर्न ले रहे हैं और ये शंकराचार्य जी की मूर्ति बैठी हुई है। तो शंकराचार्य चौक के बाद ये आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में बड़ा सा ओम आएगा। इस ओम के बाद जो फ्लाईओवर आ रहा है उसमें आपको चढ़ना नहीं है, उसके लेफ्ट हो जाना है क्योंकि उसके नीचे से आपको राइट टर्न लेना है। और दूसरा लैंडमार्क है यह होटल अलकनंदा, जो आप ये देख पा रहे हैं सामने लेफ्ट हैंड साइड में, ये होटल अलकनंदा है। ये फ्लाईओवर ऊपर चढ़ के जा रहा था जिसको हम नहीं चढ़े। अब ये नीचे जैसे ही रोड आएगी हमें राइट टर्न लेना है जंगली रिजॉर्ट जाने के लिए। और लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे ऊपर पहाड़ के ऊपर तो लाल रंग का मनसा माता का मंदिर दिख रहा है पहाड़ के ऊपर, और जैसे ही हम राइट टर्न लेंगे तो हमें सामने चंडी देवी का मंदिर दिखना शुरू होगा। और दूसरा ही पहचान है 1 किलोमीटर लंबा गंगा नदी का पुल, तो ये लिखा है तीर्थ नगरी हरिद्वार, यहां से हमें राइट लेना है। ये उसके बाद अब स्ट्रेट जाना है, ये पुल आ गया। और सामने जो दिख रहा है वो अंजनी माता का मंदिर है और उसके पीछे है चंडी माता का मंदिर, वो सामने बैराज है गंगा नदी का। ये गंगा नदी का पार्ट है, इस साइड भी आप देख रहे हैं गंगा नदी का पार्ट है। और जैसे ही ये पुल खत्म होगा हमें लेफ्ट टर्न लेना है, वहां पे एक पुलिस चौकी है उसके बगल से लेफ्ट टर्न लेना है। सीधे चले जाएंगे तो रोड जा रही है नजीबाबाद, आगे लैंसडाउन, लेकिन हमें पुल खत्म होते ही लेफ्ट टर्न लेना है जंगली रिजॉर्ट जाने के लिए। अभी वो पुलिस चौकी, पुल खत्म हो रहा है और ये पुलिस चौकी चंडी घाट है, बस यहां से हमें लेफ्ट टर्न लेना है। ये पुलिस चौकी है और ये रोड हमने ले ली इधर पत्थर के ऊपर, चंडी देवी मंदिर इस पहाड़ के ऊपर ही। और इस रोड पे अब हम चलेंगे तो करीब 7 किलोमीटर बाद आएगा चिल्ला सफारी गेट। उसके पहले 1 किलोमीटर आगे एक फॉरेस्ट का बैरियर आएगा और चंडी देवी मंदिर की सीढ़ियां आएंगी जहां से चंडी देवी मंदिर में चढ़ते हैं, और वहीं पे दक्षिण कालिका माता का मंदिर भी है। आ गया वो बैरियर, ये राइट हैंड साइड पे है चंडी देवी मंदिर जाने की सीढ़ियां। ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो नीले रंग का दिख रहा है ये है वो मंदिर, और ये वो बैरियर है जिससे हम ऑफिशियली राजा जी नेशनल पार्क के अंदर एंटर कर गए। अब यहां से 6 किलोमीटर के बाद चिल्ला सफारी गेट आएगा। इस रूट पे जंगली जानवर मिलते हैं, रात को तो टाइगर भी मिल जाता है, लेपर्ड भी मिल जाता है, कई बार मिला है मुझे, हाथी भी मिल जाते हैं बहुत बार मिले मुझे, और डियर वगैरह तो दिन में भी मिलते रहते हैं। ऐसे रपटे आते हैं कुछ जंगल के अंदर ही। ओ बाइक वाला गिरा और ये दूसरे भी गिरे। पहले एक गिरा और दूसरा गिरा, ये स्लिप कर गया, लेकिन ठीक है किसी को चोट नहीं आई। पता नहीं कैसे गिरा एकदम से, ऐसा कुछ स्लिपरी भी नहीं था। ये जंगल का रास्ता पूरा मींस इसमें हाथियों का तो कॉरिडोर ही है, हाथी तो बहुत है। इवन रात को ये रोड सजेस्टेड भी नहीं होती, वो जो चंडी देवी वाला बैरियर आपने देखा था वो रात को बंद कर देते हैं फॉरेस्ट वाले। फिर अगर आपके पास कोई, अगर आप लोकल यहाँ रहते नहीं हो तो नहीं जाने देते हैं क्योंकि इस रूट पे जानवर बड़े मिलते हैं। दूसरा एक बैरियर अभी आगे आएगा चिल्ला गेट पे, वो भी बंद होता है, उसमें भी अगर आप रीजन नहीं बताओगे कि कभी आप इमरजेंसी की वजह से लेट हो गए कुछ है तो फिर आपको नहीं जाने दिया जाएगा, और वो आपकी सुरक्षा के लिए ही है क्योंकि इस रूट पे हाथी बहुत मिलते हैं रात को। और लोग क्या करते हैं कि अब जैसे ये सज्जन की स्कूटी सिखा रहे हैं एक लड़की को, और लोग क्या करते हैं कि
कहीं भी बाइक लगाई, साइड में खड़े होके बात करने लगे, बैठ जाते हैं और उन्हें लगता है कि अरे तो मजाक है, हाथी आएगा दिख जाएगा। जबकि हाथी जब अगर वो आपको मारने के लिए आना चाहता है तो इतने ही दबे कदमों से आता है कि उसकी आहट भी नहीं होती है। ये है चिल्ला सफारी गेट, दिख रहा है सामने जो बैरियर है ना। ये लोग सफारी करने आएंगे। ये चिल्ला रिजॉर्ट है गढ़वाल मंडल का, लेफ्ट हैंड साइड में। और ये चिल्ला हाइड्रो पावर डैम है। ये कैनाल है जो ऋषिकेश से निकलती है कैनाल, और सिर्फ इस डैम में बिजली बनाने के लिए पानी आता है और उसके बाद फिर वो चली जाती है आगे। ये एक नया सफारी गेट बन चुका है, इससे अंदर जाके सफारी होती है। एक आध दिन इसका भी वीडियो बनाऊंगा मैं। चिल्ला सफारी के अलावा ये दूसरी सफारी है। ये वाली सफारी बारिश में भी खोली जाती है। ये चिल्ला हाइड्रो पावर है। चिल्ला हाइड्रो पावर से जब आप आगे बढ़ते हैं जंगली रिजॉर्ट जाने के लिए, तो आपको 3 ब्रिज गिनने होते हैं, 1, 2, 3। थर्ड ब्रिज पे आपको रुक जाना होता है। अभी मैं दिखाता हूं आपको, पहले मैं इस गाड़ी को ओवरटेक कर लूं। तो अभी आगे कैनाल आएगी, उसमें भी बहुत सारे लोग आपको किनारे किनारे बैठे नजर आ जाएंगे। और ये पूरी एलिफेंट बेल्ट है, इस साइड तो नहीं, पहले वाला जो जंगल था वहां तो बहुत ज्यादा, और यहाँ पे भी बहुत मोटे मोटे टस्कर, बहुत बड़े बड़े टस्कर घूम रहे होते हैं। मेरा एक यूट्यूब पे वीडियो है, मेरे मेन चैनल पे नहीं है, दूसरे वाले पे, उसमें एक टस्कर घूम रहा था इस रोड से, मैंने उधर इस नहर के दूसरी तरफ का बनाया था जूम करके। मैं साइड में, इस वीडियो के साइड में आपको दिखाऊंगा उसका, उसकी क्लिपिंग दिखाऊंगा। तो इसी जगह से यहाँ सामने बैठ के मैंने बनाया था और यहाँ पे था वो टस्कर। तो लोग क्या करते हैं, बड़ा लाइटली लेते हैं कि अरे कुछ नहीं होता, जब जानवर आएगा तो हम देख लेंगे। लेकिन जब वो आता है ना तो आप देख नहीं पाते, इसीलिए आप न्यूज सुनते हो कि जानवर ने मारा, इसको मारा, उसको मारा। वो मारता नहीं, आप जबरदस्ती उसके इलाके में घुसते हो, ये होता है अनाड़ीपना। कई बार आपने देखा होगा छोटा बच्चा सांप को रस्सी समझ के खींच रहा होता है, सांप भी भागने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उस बच्चे को पता नहीं कि कितना खतरनाक है, इसलिए वो उसको खींचता रहता है। ऐसे कुछ वीडियो आप देख सकते हो। ये लोग अनजाने में जो बैठे होते हैं ना, ये वही है, छोटे बच्चा जो सांप को रस्सी समझ के खींचता है ना, वही हरकतें करते हैं ये। ये सोचते लेपर्ड आएगा, टाइगर आएगा, हम देख लेंगे, हाथी आएगा, हम देख लेंगे। फिर देखता वो है, आप कुछ नहीं देख पाते। तो ये जगह वो है ही नहीं जहां पे आप ये जो चिल्ला सफारी से लेके जो चंडी देवी से चिल्ला गेट तक का जो जंगल है, इसलिए नहीं है कि आप गाड़ी रोक के पिकनिक मनाओ। कभी गाड़ी खराब हो जाए तो मजबूरी है, फिर क्या करोगे, अदरवाइज वहां गाड़ी रोको मत। वो बिल्कुल घना जंगल है और पूरे जानवर है वहां पे। तो दोस्तों ये आ गया पहला ब्रिज, मैंने बोला था चिल्ला हाइड्रो पावर से 3 ब्रिज गिनने हैं, ये पहला ब्रिज है। मैंने अपने कई वीडियो में बताया कि ये हाथियों को क्रॉस करने के लिए बना है, तो ये उसके उस पार कोई गाड़ी नहीं जा सकती, बीच में एक चेन भी बंधी हुई है, अभी सिर्फ हाथी क्रॉस करते हैं। नहर में पानी भी अच्छा जबरदस्त भर के चल रहा है और ये नहर बहुत गहरी है, ये इतनी गहरी है कि मेरे ख्याल से इसके ऊपर, जब एक बार सफाई हो रही थी मैंने देखी थी, इसके ऊपर 4-5 बसें एक के ऊपर एक खड़ी कर दोगे ना तो भी डूब जाएंगी। ये दूसरा ब्रिज आ गया और नीचे जो गांव दिख रहा है, इस गांव का नाम है गंगा भोगपुर तल्ला, और जो ऊपर दिख रहा है उसका नाम है गंगा भोगपुर मल्ला। पहाड़ी लैंग्वेज में ऊपरी हिस्से को बोलते हैं मल्ला और निचले हिस्से को बोलते हैं तल्ला। तो ये नीचे वाला गंगा भोगपुर तल्ला, ऊपर वाला गंगा भोगपुर मल्ला। ऐसे ही जो नैनीताल है उसमें भी ऊपरी हिस्से को बोलते हैं मल्लीताल, निचले हिस्से को बोलते हैं तल्लीताल। अब ये तीसरा ब्रिज आ गया, जो मैंने बोला था कि तीसरा ब्रिज बड़ा इम्पोर्टेंट है जंगली रिजॉर्ट जाने में।
तो अगर तो आप ऑफ रोडिंग वाले रूट से जा रहे हैं, 99% लोग ऑफ रोडिंग वाले रूट से ही जाते हैं, तो उसमें जाने के लिए इस ब्रिज से राइट लेना है। और इस गांव को, वैसे छोटे गांव को बोलते हैं कौड़िया, इसकी पहचान ये है कि यहाँ जिप्सियाँ खड़ी होंगी, चाय वाले की दुकान है, मैगी वाले की दुकान है, और ये इसको आपको राइट टर्न लेना है। जब आप ब्रिज से राइट टर्न ले लेंगे तो भी ये कैनाल है, सामने दुकान है, ये आम का पेड़ लगा है, इस पे चबूतरा है। तो अगर आपको ऑफ रोडिंग वाले रूट से जाना है तो इधर इस वाले रूट से जाना है जो स्ट्रेट जा रहा है। लेकिन अभी मैं आपको वो रूट दिखा रहा हूँ जिसमें छोटी गाड़ियां भी चली जाती हैं, थोड़ा लंबा है, करीब 30 किलोमीटर लंबा है। तो ये ऋषिकेश की तरफ हम चढ़ गए, लेफ्ट हैंड साइड में कैनाल चलेगी,